22.5 मिलियन टोटल ट्रैफिक, यानी कि तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है। आपके दिमाग में एक चीज़ घूम रही होगी कि इतनी बड़ी ट्रैफिक आखिरकार एक प्लेटफॉर्म के ऊपर क्यों मौजूद है, आखिर ऐसा कौन सा खजाना खोद रहे हैं जो इतने ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है और डेली बेसिस के ऊपर इनकी ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। तो आए दोस्तों, आज चलते हैं, हम भी इस खजाने को तलाश करते हैं, लेकिन इस खजाने को तलाश करने के कुछ असूल होते हैं। देखिए, मैं हमेशा से आपको ये कहता हूँ, ना तो मैंने आप लोगों को अपना रेफर लिंक देना है कि मेरे लिंक से ज्वाइन करें, ना ही मैंने आप लोगों से कोई कमीशन लेना है। अगर आप लोग की अर्निंग हो जाती है, आप लोगों के बदले में हमें सिर्फ एक चीज़ मिलती है, वो है आपकी दुआ। और काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो आप लोग तवज्जो के साथ इस काम को समझ लें और समझने के बाद परफॉर्म भी करें। अगर आप लोग परफॉर्म नहीं करते तो हमारी वीडियो बनाने का मकसद ही फोत हो जाता है। लोग तो कहते हैं आपको कि हमारी वीडियो देख लें, कंप्लीट देख लें, स्किप ना करें, ये वो, लेकिन आप लोग जब अर्निंग नहीं करते तो वो वीडियो कंप्लीट देखने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए देखना है कि आप लोगों ने यहाँ से अर्निंग करनी है। नंबर 2 दोस्तों, आप लोग यहाँ पर हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है। देखिए, अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोगों ने अच्छे से अच्छे कमेंट करने हैं ताकि हम पढ़ सके और मोटिवेट हो सके और मजीद स्ट्रगल करके आपके लिए जेन्युइन अर्निंग लेके आ सके। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अर्निंग के हवाले से वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और काम को शुरू करते हैं। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने से पहले आप लोगों को कुछ सबूत दिखाना चाहूँगा जिससे आप लोग ज़्यादा मोटिवेट होंगे, ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, आपके अंदर जज्बा आएगा काम करने का, क्योंकि यहाँ पर जो सबूत देखूंगा उसको देखने के बाद आप लोग की आंखें खुली की खुली रह जानी है। सबसे पहले अगर आप लोग इनका एनुअल रेवेन्यू चेक करें, $200 मिलियन से लेकर $500 मिलियन, कोई मजाक नहीं है दोस्तों। आज आप डॉलर का रेट चेक कीजिएगा और फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा अरबों का रेवेन्यू है, क्योंकि यहाँ पर लोग काम करते हैं, पैसे कमाते हैं और पैसे मिलते भी हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग हेडक्वार्टर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है। मैं पाकिस्तान का कोई प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर नहीं करता क्योंकि आपको पता है स्कैम करते हैं, दूसरे दिन भाग जाते हैं पैसे लेकर। हमने विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करना है और हमने क्या करना है, आज यहाँ पर पैसे कमाने हैं। अभी बात खत्म नहीं होती, थोड़ा नीचे आ जाए। टोटल विजिटर तो देखें जरा, 22.6 मिलियन। दोस्तों, 1 मिलियन के अंदर आपको पता है 10 लाख होते हैं। अब अंदाजा लगा लीजिएगा 10 मिलियन के अंदर 1 करोड़ है, 20 मिलियन के अंदर 2 करोड़ है और ये तो 22.6 मिलियन है। अंदाजा लगा लीजिएगा कितनी ज्यादा ट्रैफिक है। एक बात हमेशा से याद रखिएगा दोस्तों, उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रैफिक आती है जो विड्रॉ भी देती है, अर्निंग भी देती है और पैसे भी दबा के देती है। आप लोग चाहे तो इनका यहाँ पर एनुअल ग्राफ भी चेक कर सकते हैं अर्निंग का, लेकिन मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को प्रूफ दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैंने काम भी आपको समझाना है, विड्रॉ का तरीका भी बताना है। अगर दोस्तों मैं स्कैम एडवाइजर के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 100/100 स्कोर है। आप लोगों को मैं अक्सर स्कैम एडवाइजर के ऊपर इसलिए लेके जाता हूँ क्योंकि आप लोग कहते हैं सर स्कैम एडवाइजर पर लाजमी स्कोर दिखाया करें। हालांकि मैं स्कैम एडवाइजर को नहीं देखता, इसलिए नहीं देखता क्योंकि मुझे बिलीव है कि मैं जो चीज़ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग कहीं से भी इसके ऊपर रिसर्च कर लें, ये जेन्युइन निकलेगी। तो चलते हैं काम की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने काम को समझना है और आज से ही आप लोगों ने काम को शुरू करना है, मेरे साथ चलना है। कोई भी आप लोगों ने पार्ट स्किप नहीं करना। अगर आप लोग गूगल के ऊपर आए और आप लोग लिखे redbubble.com तो आपके सामने Redbubble की प्लेटफॉर्म आ जाएगा। अच्छा, ये टॉप पे जो आ रहा है यहाँ पर लिखा होगा Redbubble अवेज सम प्रोडक्ट डिजाइन बाय इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। कोई इंग्लिश आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को जस्ट पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आप लोग निशानी रख लें कि मैंने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है। चले हम इसको ओपन कर लेते हैं। प्रूफ तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इन 3 बातों को गौर से सुनना है। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने यहाँ पे काम को समझना है। स्टेप नंबर 2 में हमने विड्रॉ का तरीका देखना है कि हमने विड्रॉ यहाँ से कैसे लेना है, पेमेंट मेथड ऐड करना है। स्टेप नंबर 3 के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर अपने स्टोर को क्रिएट करना सीखना है। जहां तक बात रही स्टोर को क्रिएट करने की, एंड स्क्रीन के ऊपर आखिरी 20 सेकंड में मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग यहां पर स्टोर क्रिएट कर लेंगे और आप लोगों की मुश्किलात आसान हो जाएगी। हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। चले शुरू करते हैं काम को। सबसे पहले आप लोग को बता दूं, यहाँ पर आप लोग अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे विदाउट इन्वेस्टमेंट। कोई भी आप लोगों ने पैसे नहीं देने और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, ब्रांडिंग करनी है। अब ब्रांडिंग कैसे करनी है, बहुत सिंपल है। अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल, लेकिन आप लोगों ने दोस्तों परेशान नहीं होना, पहले काम को समझ लेना है। यहाँ पर आप देखें आपके पास मुख्तलिफ कैटेगरीज है, उसके अंदर माइक्रो नीच है और सब नीच अवेलेबल है, गिफ्ट्स है, क्लॉथिंग है, स्टिकर्स है, है, फ़ोन केसेस है, और फ़ोन केसेस के अंदर देखिए आईफोन केसेस है, सैमसंग केसेस है, वॉल आर्ट है, होम लिविंग है। अब हर एक एक नीच के अंदर देखिए कितनी सारी सब नीच आ रही है, कितने सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, कितना ज़्यादा आप लोग यहाँ पे काम परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी है यहाँ पर 22 मिलियन से ज़्यादा ट्रैफिक मौजूद है। उसके बाद किड बेबीज है, एसेसरीज है, स्टेशनरी है और एक्सप्लोर डिज़ाइन है। पहली बात तो ये हर वीडियो में मैं आपको कहता हूँ, जब इस तरह के ऑनलाइन स्टोर को आप लोग क्रिएट करते हैं, आप लोगों ने ट्रेंड को फॉलो करना होता है। अगर आप लोग को पता है कि समर आप लोगों का गुजर गया है और आप लोग फिर भी समर के ऊपर काम करें, तो कौन आपकी प्रोडक्ट परचेज करेगा? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपने कोई पैसे नहीं देने, जस्ट आप लोगों ने डिज़ाइन लगाना है और छोड़ देना है। 22.6 मिलियन ट्रैफिक यहाँ पर मौजूद है। जैसे लाइव होगी ये सारी ट्रैफिक आपके प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी, वो सारा मैं बता दूंगा। यहाँ पर आप लोगों ने ट्रेंड को फॉलो करना है। आप लोगों को पता है विंटर चल रहा है, विंटर के अंदर आप लोगों ने कौन सी प्रोडक्ट को टारगेट करना है। हुडीज़ है, आप लोग के पास जैकेट्स हैं, लेदर जैकेट्स हैं, हर तरह की प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है और वो तमाम चीज़ें आप लोग को मिल जाएगी क्लोथिंग के अंदर। ये क्लोथिंग आप लोगों के सामने मौजूद है। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक प्रोडक्ट के ऊपर डिज़ाइनिंग करना सिखाऊंगा और उसी तरह से आप लोगों ने काम करना है। डिज़ाइनिंग का तरीका भी बता दूंगा किस तरह करनी है। पहले आप लोगों ने ब्रांडिंग करना सीख लेनी है कि आप लोगों ने प्रोडक्ट के ऊपर डिज़ाइन कैसे लगाने हैं, ब्रांडिंग कैसे करनी है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिए क्लॉथिंग है, तो मैं ऑल क्लॉथिंग्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मैंने सारी जितनी भी क्लॉथ्स है ना, उन तमाम पे डिज़ाइनिंग करनी है ताकि मेरी कोई ना कोई प्रोडक्ट रैंक हो जाए और मुझे पैसे मिल जाए अच्छे खासे। अब यहाँ पर आप देखें आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के कैटेगरीज़ है। देखें वुमेन क्लॉथिंग है, मैन क्लॉथिंग है, टी शर्ट्स है, हुडीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने ट्रेंड को फॉलो करना है, तो मैं क्या करता हूँ, हुडीज़ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे अकाउंट के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप लोगों ने अपना डिज़ाइन आर्ट सेल करना है, तो सेल योर आर्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। गौर से देखिएगा, यहाँ सिर्फ 3 स्टेप की मार है और 3 स्टेप के अंदर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। पहले स्टेप की तरफ चलते हैं, ऐड न्यू वर्क, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। बहुत ही आसानी के साथ समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। जो इस वीडियो को गौर से देख रहा है समझ रहा है। यहाँ पर वो कहते हैं अपलोड न्यू वर्क, उसके बाद कहते हैं कॉपी एंड एग्जिस्टिंग वर्क। हमने न्यू वर्क करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। आप लोग अपनी गैलरी में आ जाएंगे। अब यहाँ पर वो डिज़ाइन आप लोगों ने कैसे क्रिएट करना है वो बाद की बात है, पहले आप लोग डिज़ाइन लगाना सीख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपना एक डिज़ाइन उठाता हूँ सिंपली तौर पर समझाने की गर्ज से, और यहाँ से ओपन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों से सिर्फ 1 सेकेंड लेगा और ये लोड होके आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, इसको छोड़ दीजिएगा। पहले नीचे आ जाइए, अपने प्रोडक्ट को अरेंज कर लें। यहाँ पर आप देखिए हेड्स है, लार्ज प्रिंट क्लॉथिंग है, स्टैंडर्ड प्रिंट क्लॉथिंग है, उसके बाद बहुत सारी आपके पास प्रोडक्ट आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखें यहाँ पर डेस्क मेट्स भी है, माउस पैड भी है, इन तमाम के ऊपर। और मज़े की बात है, आप देखें पीलो भी अवेलेबल है। इनके ऊपर आप लोगों ने ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिसेबल, डिसेबल, डिसेबल। आप लोगों ने इनको इनेबल भी करना है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, डिसेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, इनेबल हो चुका है। दोबारा डिसेबल के ऊपर क्लिक करें, इनेबल हो चुका है। डिसेबल के ऊपर क्लिक करें, इनेबल हो चुका है। सिंपल आप लोगों ने जितनी भी प्रोडक्ट है उन सबको इनेबल कर देना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आप लोगों ने क्या करना है, एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे एडिट के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, अब ये एडिट होके आपके सामने आ जाएगा। अब आप लोग एक एक प्रोडक्ट को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, सारों को भी एट अ टाइम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें ये आप लोगों की लेंथ है, ये आप लोग का जूम इन आउट है। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखें आपके पास कलर है। अगर मैं यहाँ से डार्क ब्लैक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखें मेरी कैप जो है चेंज हो चुकी है। अब इस हेड के ऊपर अगर आप लोग गौर से देखें, ये मेरा डिज़ाइन आ रहा है। आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ पर मेरा ये डिज़ाइन आ रहा है। यही आपका काम था और यही आपकी ब्रांडिंग है। अब ये जितना एफिशिएंट काम होगा, उतने ज़्यादा आपके पैसे बनेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट डिमांड बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट आगे लोगों के पास जाएगी। उसके बाद आप लोग ने क्या करना है, इसके ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, अब मैं चाहता हूँ इसकी यहाँ पर कलर चेंज कर दूँ, मैं इसे यहाँ पर ये वाला रख लेता हूँ। और यहाँ पर आप देखिए ये कलर चेंज हो चुका है और यहाँ पर आप लोग के सामने इसका स्टैंप लग चुका है। इसी तरह से आप लोगों ने तमाम प्रोडक्ट को अपनी मर्जी से चेंज करना है। जितनी प्यारी प्रोडक्ट बनेगी उतना पैसा बनेगा। ये मार्केट बहुत बड़ी है, मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दी है। अब आप कहेंगे सर प्राइसिंग कैसे रखें? अब देखिए ये एक शर्ट है, इसकी प्राइसिंग कैसे करनी है, सिंपली तौर पर यहाँ से एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपके सामने है, यहाँ पर आपके सामने एक इमेज सेटिंग आ रही है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करें। यहाँ पर आप लोग के सामने आपका प्रॉफिट शो हो रहा है। देखिए प्रीमियम टी शर्ट प्रॉफिट है, यहाँ पर आप लोग को मार्कअप बताया जा रहा है 20%। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये शर्ट की प्राइस शो हो रही है $45 है, $45 है, $32 है। लॉन्ग टी शर्ट की ऑलमोस्ट कम होती है। अब यहाँ पर अगर आप लोग इस साइड पे देखें तो यहाँ पर 20% शो हो रहा है। ये आपका मार्कअप है, प्रॉफिट है जो आपको मिलेगा। $45 के अंदर आपको 20% मिलेगा, लगा लीजिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 20% ही रखें। अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ से अपना मार्कअप चेंज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ से 30% रख लेता हूँ। 30% के हिसाब से देखिए शर्ट की प्राइस भी बढ़ चुकी है, $49 हो चुकी है। इसकी फॉर एग्जांपल मैं 20% रख लेता हूँ या 25% कर लेते हैं। 25% यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ और अब आप लोग देखें यहाँ पे $47 हो चुका है। तो इस तरह से मार्कअप अपना आप चेंज भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, आप लोग जितना मर्जी रखें। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए बीच में कर जाता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को गौर से देखें। जो बिगिनर है वो अपना मार्कअप कम रखे। एक बार आप लोग का स्टोर रनिंग में आ जाए, चलना शुरू हो जाए, तो फिर आप लोगों को उसकी अर्निंग ज़्यादा जब होगी तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसका मार्कअप रख सकते हैं। पहले आप लोगों ने अपने स्टोर को चलाना है। लाइक अगर आप लोग देखें नई दुकान खोलते हैं तो आप लोग सेल लगा देते हैं ताकि एक बार रनिंग में आ जाए दुकान। जब आप लोगों की दुकान चल पड़ती है तब आप लोग अपनी प्राइस को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने प्राइसिंग भी सिलेक्ट कर दी, हर चीज़ कर ली। अभी अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक नहीं करना, इंपॉर्टेंट स्टेप अब आ रहा है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी टाइटल देना है। टाइटल कोई भी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल टी शर्ट है तो मैं टी शर्ट कर देता हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने। उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पर टैग्स है। अब टैग्स के हवाले से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी वेबसाइट से आप लोगों ने टैग्स निकालने हैं। स्पेसिफिक आप लोगों को रैंक टैग्स मिलेंगे। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, गूगल के ऊपर आना है और लिखना है रेडबबल टैग जनरेटर। आप लोगों के सामने रेडबबल टैग जनरेटर ओपन है। मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ बेस्ट टी शर्ट। अगर आप लोग देखें यहाँ पर मैं आपके सामने सर्च भी करता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ, सर्च टैग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा अब यहाँ पर आप लोगों को 2 से 3 मिनट के अंदर तमाम टैग्स जनरेट करके दे देगा। अगर आप लोग का इंटरनेट अच्छा है तो आप लोग को जल्दी जनरेट कर देगा। अब आप लोग अगर नीचे आके देखें तो ये तमाम टैग्स इसने मुझे जनरेट करके दे दिए हैं। तमाम जितने भी टैग्स हैं टी शर्ट के हवाले से, क्लॉथिंग के हवाले से, उसने मुझे दे दिए हैं। सिंपल आप लोगों ने कॉपी आल के ऊपर क्लिक करना है, दोबारा आना है और यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली तौर पर इसको पेस्ट कर देना है। ये आपके लग जाएंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन शॉर्ट से लिख दीजिएगा कि ये मेरा ब्रांड है और मैं इसको प्रमोट करना चाहता हूँ। जो भी यहाँ पर शर्ट लेगा उसके हवाले से मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप लोग चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाए, यहाँ से आप लोगों ने अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं जल्दी डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूँ और आपके सामने अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये मेरी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी। अब जैसे मैंने अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पर देखिए तमाम जितनी प्रोडक्ट है उनके ऊपर मेरा ब्रांड लग चुका है, मेरा लोगो लग चुका है। यहाँ पर देखिए नीचे आए। अच्छा, जिनको आप लोगों ने डिसेबल किया उसको इनेबल लाजमी कर दीजिएगा, तब आपकी ये प्रोडक्ट लाइव होगी। जिस तरह मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, इसको इनेबल कर देता हूँ, ये जैसे ही लाइट से डार्क हो जाएगी तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आप लोग की इनेबल हो चुकी है। ये जितनी भी प्रोडक्ट है इसके ऊपर आप लोगों को कमीशन मिलेगा। चाहे तो ये आप लोग मार्कअप खुद से भी रख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, चाहे तो आप लोग उनका भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी आपको मौजूद मिल जाएगा। उसके बाद अब सेकंड स्टेप में कि आप लोगों ने इस तरह के डिज़ाइन बनाने कैसे हैं, उसके बाद हम विड्रॉ की तरफ जाते हैं। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, गूगल के ऊपर आना है और सिंपली तौर पर लिखना है कैनवा। यहाँ से मैं आपको लिख देता हूँ कैनवा टी शर्ट्स। अगर आप लोग इसको सर्च कर लेते हैं तो आपके सामने कैनवा टी शर्ट के तमाम डिज़ाइन ओपन हो जाएंगे। या मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितने भी कैनवा टी शर्ट डिज़ाइन है वो आप लोग यहाँ से बना भी सकते हैं। अगर आप लोग क्रिएट टी शर्ट के ऊपर क्लिक करें, अदरवाइज़ यहाँ से भी उठा सकते हैं। बेस्ट यही है कि आप लोग यहाँ पर खुद से डिज़ाइन करें, अपने अच्छे से अच्छे लोगो बनाएं और उनको प्रोडक्ट के ऊपर लगाएं और उसके बाद आप देखिए आपकी सेल कैसे होती है। अब दोस्तों चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप नंबर 2 में आप लोगों ने क्या करना है, विड्रॉ लेना है। तो उसके लिए अकाउंट सेटिंग के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल लगानी है, कवर इमेज लगानी है। ये दोनों चीज़ें भी आप लोग कैनवास से बना सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है और डिस्प्ले नेम। यहाँ पर आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, ऑलवेज शो माय रियल नेम, ऑलवेज शो माय यूजर नेम। तो यहाँ पर आप लोग यूजर नेम रख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट सी बायो लिखनी है अपने बारे में कि आप लोग क्या चीज़ यहाँ पर सेल करना चाहते हैं। और यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली तौर पर नीचे आना है, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप लोग अपने स्टोर का लिंक शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आप लोग का स्टोर का लिंक आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा आना है, यहाँ से एडिट पेमेंट डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। ये तमाम डाटा आप लोगों का ऑलरेडी आ जाएगा और आप लोगों का यहाँ पर एक स्टेटस लिखा होगा कि अपनी ईमेल को कंफर्म करें। आप लोगों ने अपनी ईमेल के ऊपर उस लिंक के ऊपर जाके क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा योर ईमेल हैज़ बीन कंफर्म। उसके बाद ये एड्रेस देना है, टाउन देना है, जिप कोड आप लोगों का आपका इंटरनेट पर मिल जाएगा और यहाँ से आप लोगों ने कंट्री पाकिस्तान को रख लेना है। यहाँ पर आप देखिए मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, पाकिस्तान आ चुका है, इसका मतलब है इसकी सर्विसेज अवेलेबल है। मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पेमेंट करेंसी, यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट है, पेपाल है, बैंक ट्रांसफ़र है, तो आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है, बाकियों को छोड़ देना है। बाकी जितने भी पेमेंट मेथड है वो यूरोप के हैं। अगर आप लोग पाकिस्तान में हैं तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं और नीचे आना है, उसके बाद यहाँ से सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ तक आप लोग की तमाम चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने गौर से देखनी है, जैसे कंट्री सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन नंबर देना है, यहाँ से सेंड कोड के ऊपर क्लिक करना है, आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा वो यहाँ पर लगाना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है ताकि आप लोगों को पेमेंट लेने में मुश्किल ना हो, अदरवाइज ये आप लोग छोड़ भी सकते हैं। अब बात रही कि आप लोग ने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, तो एंड स्क्रीन के ऊपर 20 सेकंड में आपको एक वीडियो शो होगी, वहां से देखेंगे आप लोग का कंप्लीट हो जाएंगे और तीनों स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप लोग यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। जी तो उम्मीद करता हूं तमाम चीज़ें अब आपको समझ आ गई होगी और आप लोग तैयार होंगे इस काम को करने के लिए। काम करने के वही दो असूल है मैंने आपको बता दिए हैं और आप लोग डेली बेसिस के ऊपर इसके ऊपर काम करते रहें। एक्सपीरियंस अलहदा मिलेगा, काम अलहदा होगा, अर्निंग अलहदा होगी। और ये जितने पाकिस्तानी इस वीडियो को देख रहे हैं काइंडली अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि आप लोग भी जेन्युइन अर्निंग कर सके और वो भी जेन्युइन अर्निंग कर सके। स्क्रीन के ऊपर दोस्तों जो आपको वीडियो शो हो रही है लाजमी देखिएगा, इसको देखने के बाद आप लोग की तमाम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आप लोगों का अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों, चैनल के साथ जुड़ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।